बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन। तो इसके लिए मैंने फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई ऊपर चढ़ा लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ ऑयल। यहाँ पे मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी प्याज, और ये जो मेरा प्याज है इसको मैंने चॉप किया हुआ है। तो चलिए इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून नमक। अंदर शामिल करने लगी हूँ चिकन। और चिकन को मैं करूँगी फ्राई। इधर बिल्कुल आस्ता से आंच पे मैं गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास है टमाटर का पेस्ट, तो मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। इसके अंदर कुटी हुई सब्ज़ मिर्च मैं शामिल करने लगी हूँ। हाँ, मेरा मसाला रेडी हो रहा है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ रेड चिली और खुश्क धनिया। और इसका मिक्सिंग यहाँ देखिए कितना मज़ेदार चिकन मेरा रेडी हो रहा है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ कोरमा मसाला। उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ आलू। तो जी यहाँ मैं अपने आलू जो मैंने इसमें शामिल किए हैं उसको भून रही हूँ। और देखिए ये माशाल्लाह इस सालन के कितनी ज़बरदस्ती लुक आ गई है। मैं इसके अंदर ऐड करने लगी पानी। हाँ, मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी ताकि जो मेरे आलू हैं वो गल जाएं। और इसको मैं करने लगी हूँ कवर।
10 से 15 मिनट के लिए। ऑलमोस्ट ये मेरा सालन हो चुका है, तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी धनिया। तो बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल तरीके के साथ मैंने ये आपके साथ रेसिपी शेयर की है, कोरमे की रेसिपी। उम्मीद है आप सब लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखिए मेरी ज़बरदस्त चिकन कोरमे की रेसिपी रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ और ज़बरदस्त मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको घर में। होप्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें और